हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है, क्या बात है। अरे सर 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 हे हे हो हो ने हो क्या बात है। अरे प्लीज प्लीज आप लोग बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि कोई सिंगर है तो रिस्पेक्ट में खड़ा हो जाए। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज। वो तो उठे नहीं, मेरे मन में ऐसा हुआ कि शायद उठ जाएंगे। देखिए गुस्सा मत होइए, मैं हूँ अजित नारायण। अजित नारायण और मैं आज अपने बेटे आदित्य की वजह से आया था। अच्छा कैसे? लेकिन वो तो आए नहीं, अभी तो मैं आया हूँ। वो कहावत है ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो एक ही बात होती है कि घर से सिर्फ एक ही लोग निकल पाते हैं। सर सर सर, लेकिन आज मैं नाराज हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों ने एज अ जज नहीं लिया। जज? और मैं हिमेश जी आपसे ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम में डंबल मारते देखा है। नेहा जी। हाँ जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ। हे हे नेहे वाह हो, मैं आपका गाना सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। हाँ? प्लीज ऐसा मुझे कहिए ना। क्योंकि मुझे तारीफ बहुत पसंद है, सच में। कल ही अलका जी मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छा? कहते हैं उदित तुम सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बार बार मैसेज मत किया करो। तो इसमें आपकी तारीफ कहाँ हुई? अरे उन्होंने अपने मुंह से मुझे मैच्योर और सेंसिबल का यही मेरे लिए बहुत है। जी 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 है ही। एडिटर नारायण जी, आप ना अभी परेशान कर रहे हैं हमारे गेस्ट को, आप प्लीज जाइए, बाद में आइएगा आप। मैं नहीं जाऊंगा, संगीत की दुनिया के इतने बड़े दिग्गज आए और आज माहौल भी कितना म्यूजिक वाला है। तो म्यूजिक छोड़ के मैं मुद्दे की बात करना, मुझे जज बनना है। देखिए एडिट जी, उनके ना जज ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। क्या? वाह यार। कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। हाँ। आप लोगों ने जज फाइनल कर दिया। हाँ। हे नेहा। यही लोग जज हैं। अच्छा इसलिए नहीं बताया। तो एक काम कीजिए, मुझे एज एंकर ले लीजिए। और वैसे भी एंकरिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? मैं ऐसे ऐसे करके कर किसी के बाप में दम नहीं, जो मेरा हाथ पकड़ के दिखा दे। आपने जिसे अपने शो में रखा है एंकर, मैं उसका भी बाप हूँ। क्या बोल रहे हो? ये बात तो है। वो तो आप बायोलॉजिकल बाप हो गए ना, एंकर तो वो अच्छा ही है। लेकिन बाप तो मैं ही हूँ ना। फिर एंकरिंग करके दिखाइए आप। जी जी सर सर सर। हेलो एंड वेलकम टू इंजन आइडल। रात के बीच में आ रहे हैं श्री उदित नारायण जी। नहीं नहीं, आपने किसी और सिंगर को बुलाना है। हाँ। अपना नाम नहीं लेना है। पहले एंकर आएगा तभी तो सारे कंटेस्टेंट आएंगे। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम टू इंजन आइडल। अब आ रहे हैं कानपुर से, जो गाना सुनाएंगे उदित नारायण जी को। आप अपने आप को बीच में क्यों डाल रहे हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो रही, मैं वापस से करता हूँ। ऐसे करेंगे आप एंकरिंग? हर गाने में अपना नाम डाल रहे हैं आप, तो इसलिए तो कह रहा हूँ ऐसा जज ले लीजिए मुझे। एंकरिंग तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। कल तो टॉयलेट में बैठ के बोल रहा था, जी हाँ दोस्तों अब वक्त हो चुका है कल शाम के मोमोज को फ्लश करने का। वैसे एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना था। जी सर। मेरे बेटे की सैलरी कितनी है? मैं दरअसल मुझे कहता कि पापा 8,000 मिलते हैं, काट पीट के हाथ में 6,000 आता है। झूठ बोलता है, लाखों रुपए कमाता है वो। एक सेकेंड। हेलो जी, सानुदा मेरा बेटा लाखों कमाता है। क्या आपका बेटा भी लाखों कमाता है? हाँ तो फिर अलका जी का मुझे भी फोन आता है। समझे समझे। देखिए एडिट जी, उनको ना तो जज चाहिए और ना ही एंकर चाहिए, आप प्लीज। तो एक काम कीजिए, मुझे अपने शो में जज बना लीजिए।
मैं हंसता भी बहुत अच्छा हूँ। उठा रहा हूँ। जी जी, अरे दीपा जी, जी जी मेरी वाइफ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बालों में मेहंदी भी लगाता हूँ। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? आप तो ऐसे पूछ रहे थे इनमें से एक के बाल ही नहीं हो। सॉरी। ओह मन, देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जान मुझ के निकल गया मुझसे। जान मुझ के? नहीं, मजाक मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, हे हे, और म्यूजिक इतना माहौल है, और गाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज नेहा जी, प्लीज प्लीज नेहा जी, मैं अब जेन्युइन आपका फैन हूँ, दो लाइन मेरे मुंह से सुन लीजिए। क्या बात है, सुपर सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां गौरव के लिए। क्या बात है, क्या बात है यार। आइए अब करते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम आपकी पिक्चर्स के नीचे, आपके फैंस जो है नीचे कमेंट्स करते हैं। सर अगर आपको एतराज ना हो मैं वहां आ जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, आइए सर। यहाँ से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी दिखाइए जरा। आई एम अ बर्ड दैट फ्लाइज इन द स्काई बट लव्स टू स्टे ग्राउंडेड। कमेंट्स देखते हैं। नेहा भी लाइक, ऐसा मेकअप करो कि मैं रोती हुई ज्यादा सुंदर लगूं। किसी लिखा है तो आपका ये प्लेन हवा में उड़ेगा या ये भी ग्राउंडेड है बाय रोड ही जाएगा। गुड वन, वेरी क्रिएटिव। मैडम टेढ़ा मत बैठो, बॉडी अकड़ गई तो आप नेहा ककड़ से नेहा अकड़ हो जाएगी। और आगे दिखाइए। मैं भी सोचूं हमारी सुरक्षा की पेटी बनवाने के बाद एयर होस्टेस पीछे जाके क्या करने लगती है। अरे वो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी। और दिखाइए। Someone sent me this picture, don't know. अब दो भाई, हमें पता नहीं था। wow, एक बॉइल्ड हिमेश, दूसरा स्लिम हिमेश विद सेजवान सॉस। दिखाइए कमेंट्स। हेल्दी रेशमिया विद वेल्दी रेशमिया। लोग फास्ट रखते हैं, इन्होंने पास्ट रखा हुआ है। माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। आपकी इस फोटो को देख के याद आया मैंने रात से छोले भिगो रखे। सर आपकी पुरानी फोटो देख के लगता है आप भरे बैठे थे। और दिखाइए। मॉर्निंग्स आर बेस्ट विद कॉफी, ब्रेकफास्ट एंड साइलेंस। दिखाइए आगे कमेंट्स। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हिमेश की बातों से छुटकारा। नो नो सर, ये बड़ा सटीक है। हमारा डॉक्टर कहता है एन एप्पल ए डे, ये कौन सा डॉक्टर जिसने आपको केला लिखा है। माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। चाय विद समोसा एंड ग्रीन चटनी इज व्हाट आई ईट बैक स्टेज इन माय ग्रीन रूम। समोसे, नेहा तू सच्ची में समोसे खा लेती है? दो तीन नहीं, दो तीन नहीं, एक समोसा। एक समोसा, आई लव। हाँ, मेरा खाने को दिल करने लग पड़ा, पता है ना, मुझे इसी वक्त चाहिए, मन हो रहा है यार। है, है? आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। समोसा हाथ से क्यों खा रही हो, इतनी बड़ी स्टार हो, रिमोट से खाओ। Very good. दो समोसे प्लेट में हैं, लगता है दो और ककड़ साथ में हैं। जब गरम गरम समोसा सामने दिख जाए तो डाइटिंग वाला भी एप्पल छोड़ के समोसा पकड़ लेता है। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ये चटनी गिरा देती होंगी इसीलिए सोफे की जगह नीचे बैठी है। ये फोटो खिंचा के समोसा रख देंगी, देखना बाद में टोनी खाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल धन्नो। ओहो लो सर, अभी देखना, अभी शादी आप करवा पाते कि नहीं, पर घोड़ी पे बैठ के भाई साहब।
कमेंट्स दिखाइए। धन्नो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो हेमा मालिनी एक्सपेक्ट कर रही थी और बैठ गया शकाल। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। आगे दिखाइए। हाउ मेनी डेज फॉर ला ला ला। आइए कमेंट्स देखते हैं। एक पत्नी अपने पति का चैन छीनते हुए। बीवी तैयार हो जाए तो पति को तैयार होने का टाइम ही नहीं देती, बेचारा नाइट सूट में ही पोज दे रहा है। ये पहले पति पत्नी हैं जो शादी के बाद भी एक दूसरे पे लाइन मारते रहते हैं। सही बात है, लेकिन सही बात है। और दिखाइए। ओए होए, ये कब की फोटो है मेरे सर? स्कॉटलैंड की। ओ वाओ, कमेंट्स पढ़ते हैं। आइए, लगता है ये वॉलेट नहीं लाए हैं और सामने भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा है। माइंड ब्लोइंग। जरूर इनकी निक्कर गीली होगी वरना ये खड़े होके फोटो खिंचाते। यार हिमेश सोच रहे हैं यहाँ कोई नहीं देख रहा, चटाई वाले से मालिश करा लेता हूँ और चैनल को स्पा का बिल भेज दूंगा। लगता है गरम रेत पे बैठ के इन्होंने तंदूरी नाइट गाना बनाया होगा। और दिखाइए। ओ अच्छा, नाइस नाइस, माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों आज हमारे बीच इंडियन आइडल 13 के जो हैं चार जबरदस्त कंटेस्टेंट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं एक एक करके मंच पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले प्लीज वेलकम मिस्टर विनीत सिंह। बहुत बढ़िया विनीत, बहुत बढ़िया, वेलकम ब्रदर। आइए आइए प्लीज, बहुत ही कमाल गाया आपने, वाह। अब जो आ रही हैं, प्लीज वेलकम संचारी सेन गुप्ता। वाओ 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 वाओ, क्या बात है, कहाँ से आई आप माता जी? इनकी उम्र देखो और इनका गला देखो, वाह। बहुत बहुत स्वागत है संचारी, क्या बात है। चलिए बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऋषि सिंह। बहुत बढ़िया, क्या बात है ऋषि जी। ऋषि आप सब उम्र में इतने छोटे छोटे लेकिन जब गा रहे हैं, ओह महाराज मैं आपके पैर छूऊंगा महाराज, कैसे गा रहे हो आप, वाह वाह कांग्रेचुलेशन। आइए आइए, बहुत बहुत मुबारक आपको। और दोस्तों अब आ रहे हैं आप लोगों के सामने मिस्टर नवदीप बडाली, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू महाराज जी, क्या है महाराज, कितने कैसे कैसे आप जी, वेलकम वेलकम, क्या ही बात है, क्या ही बात है। आइए प्लीज आ गए। आपको देखो कह दो कि ये नेहू नहीं है। केहू सच में नेहू आई है। तीनों तीनों मेरे कपिल के बचपन के दोस्त, मेरी नेहू आई है। कपू मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? नेहू आई है। तो डायरेक्ट कह दो ना जो भी कहना है, क्यों दिमाग खराब कर रहे सबका। साहब डायरेक्ट कह पाते होते तो नेहा के हाथ पे यहाँ रोहू नहीं उस्ताद घर छोड़ो लिखा होता। इतना प्यार करते हैं आप नेहा से? आपको क्या लगता है मैंने ये संगीत का उस्ताद क्यों बना? मैं क्यों वरना मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छा चल रहा था। इनके लिए मैं ये बाल इससे लंबे लंबे क्यों किया मैंने, इनके लिए
मैं क्यों क्यों मेरी याद नया कुर्ता पजामा क्यों पहना? नेहू के लिए नहीं, वो तो पुराना फट गया था इसलिए। पहले गेस्ट से बात करते हैं। हिमेश जी साहब, ये बड़ी बड़ी अच्छी बनाई है आपने। यार इज टू गुड। नेहा के पाउट जितने ही क्यूट आपके ढोले हैं। आई लव इट। विशाल साहब जी सर नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। धन्यवाद सर। आप इतने इतने बेहतरीन गाने साहब आप देते हैं जी, कमाल के आपके हमेशा लिरिक्स रहे हैं। और मैं वो मुझे बड़ा पसंद है आपका म्यूजिक में, वो पेमेंट। विशाल जी वहाँ ये कुछ लगा हुआ है आपके इधर? हाँ ना, ये इधर आपको। अरे मेरी नियत लगी हुई है साहब थोड़ा सा। अच्छा आप यहाँ लॉन्ग टर्म आए हो या टेम्पररी है? ये तो इन पर डिपेंड करता है। नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ इस जगह की मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला जाऊँ जी सर? अगर आप थोड़ी, थैंक यू सर, सर थैंक यू सो मच। एक सेकंड, थैंक यू, मुझे उस साइड पे आना है। हाँ जी जरूर। अच्छा अच्छा, नेहू जी मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो ना। ये देखो नेहू, देखिए क्या लिखा है। ये तो आपने रोहू लिखा है। रोहू लिखवा है। हाँ तो जो नेहा को पसंद है वही मुझे पसंद है। बस जो नेहू को पसंद आएगा वो ही मुझे पसंद आएगा हमें। नेहू को तो ये मुंह पसंद नहीं आपका। और हिमेश सर को तो गुस्सा आ रहा है, तलवार निकालेंगे थोड़ी देर में। इतना खराब मुंह लगा आपका, वो 15 दिन पुराने काजू खा गए। बादाम खाओगे? खा तो लूंगा लेकिन पैसे तो नहीं लगते ना इसके। और बताइए क्या हाल है? वैसे आपको पता है नेहू, यार ये करके भी मजा ही आया मुझे। तो नेहू मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, और नेहू को जो पसंद होगा मैं वही पसंद करूंगा। मैंने आपको बताया नेहू को आपका मुंह पसंद नहीं है क्या? सच में मेरा मुंह पसंद नहीं है नेहू। अच्छा आजा आजा। आप ठीक है? तो दोस्तों आप में से कोई भी अपने फेवरेट स्टार से बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। हेलो कपिल सर। हेलो जी, नमस्ते। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन, आई एम पायल कथूरिया, आई एम फ्रॉम पंजाब। पायल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कपिल सर। हेलो विशाल सर। विशाल सर आपकी विक्रम वेदा मूवी में जो अल्कोहलिया सॉन्ग है वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक शायद वो सॉन्ग किसी ने लाइव नहीं सुना होगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है क्या वो आप सॉन्ग सबको सुना सकते हैं? बेशक। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से, बट मैं हिमेश सर से कुछ कहना चाहता हूँ। सर जय माता दी, लेट्स रॉक। ये बात है, जय माता दी, लेट्स रॉक। अरे हिमेश जी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? ये मतलब ये जय माता दी जो लेट्स रॉक जो है वो ऐसे नहीं बोला जाता सर। कैसे? जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो नेहा मैम, मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैन है, तो क्या आप अपने जो रोहन प्रीत सर के साथ गाना गाया है बारिश में तुम, वो आप डेडिकेट कर सकते हैं मेरी वाइफ को?
माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर, क्या बात है? नेहा सच में इतनी प्यारी लगती है ना गाते हुए, समझ में नहीं आता कि इसको गाते हुए सुने किसको गाते हुए देखें, इतनी डॉल लगती है ना ये. लव यू मेरा बेबी. थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग. थैंक यू गाइस. हिमेश सर, विशाल सर, नेहा और हमारे कंटेस्टेंट, जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बड़ा मजा आया हमेशा की तरह. और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.